न्यूज वलडिया में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। महोबा में बीती रात बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के घर में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा मारपीट लूटपाट कर तांडव मचाने के मामले को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट और लूट के मामले में पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों सहित 155 से अधिक अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। एक सैफ आलम करके नामक लड़का एक दो लोगों के साथ लेके आया और उसने दरवाजे खटखटाए, बोले हम इनसे बात करनी है, करके बाहर आए तो वो हमारे दोस्तों के साथ मारपीट करने लगे। हमने उनके बीच बचाव किया, हमने किया ऐसा है कि लड़वाड़ो ना, बात क्या है। इसके बाद हम अपने कमरा में आ गए। एक साथ करीब 150-200 व्यक्ति मुस्लिम जो हमारे घर में सीधा अटैक किया। हमारे घर के हमने जब अपने दरवाजे बंद कर लिए भीड़ को देखते हुए, तो हमारे घर के दरवाजों में कुल्हाड़ी से लाठी डंडों से जो है दरवाजे फाड़े गए, हमारे जंगला तोड़े गए। जब वो हमें मारने में, जैसे ही एक आदमी ने जंगला के अंदर आके धारदार नुकीले हथियार से मेरे पेट में जो है कुछ लगा, तो उसमें मुझे टांके भी आए हैं। बकाया इसके बाद वो हमारे घर गए, महिलाओं से जो है बदतमीजी की है, मेरी पत्नी का मंगलसूत्र ले गए छीन छान के, और मेरी बहन के साथ अभद्रता की, महिलाओं को भी मारा पीटा है, हम लोगों को मार पीटा है, और एक साथ जो है मेरे ऊपर हमला किया है। ये एक सोची समझी साजिश थी। मुझे मेरी जो राजनीतिक छवि है उसको धूमिल करने की भी एक साजिश थी, और यहाँ कहे कि मेरी जान, मुझे वास्तव में जान से मारने की इनकी एक सोची समझी साजिश थी। जौनपुर में टीकाकरण अभियान का एक वर्ष पूरा होने के बाद उत्साह देखने को मिला। समाज सेवी व बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने अपनी टीम के साथ शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच कोरोना योद्धाओं व स्वास्थ्य कर्मियों पर पुष्प का वर्षा कर उन्हें सम्मानित किया है। बता दें कि कोविड टीकाकरण के मामले में जौनपुर ग्रीन जोन में आ चुका है। वर्तमान में यूपी के 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। लक्ष्य का 90% टीकाकरण उपलब्धि हासिल करने के बाद ही जनपद ग्रीन जोन में आता है। आज 16 जनवरी 2022 से पूरे एक वर्ष हो चुके हैं, और माननीय मोदी जी ने पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ से हुआ था। आज हम लोग देखेंगे अपने जनपद जौनपुर तहसील सागर की बात करें तो 22 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। आज जो व्यवस्था देखी जा रही है जनपद जौनपुर में 91% हम लोग ने भी आंकड़ा देखा है, वैक्सीनेशन का डोज लग चुका है, और उस पर सागर में 51% की भी स्थिति देखी गई है, और 54 से 55 हज़ार समथिंग यहाँ पे सागर तहसील में डोज लग चुका है। एक ये अच्छी पहल है, जिन्होंने इस चीज़ में अपने जो कोरोना योद्धा है उन्होंने काम किया था। देखा गया उस समय कोई स्थिति घर निकल नहीं रहे दूसरे लहर में, उस दिशा में लोग घर जाके लोगों को वैक्सीन लगाया है। खबर आगरा से है, जहां बाह विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा काफी समर्थकों की भीड़ के साथ तीर्थधाम बटेश्वर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां आचार संहिता एवं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती नजर आई। सोशल मीडिया पर समर्थकों की भीड़ के साथ सपा प्रत्याशी के फोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन हरकत में आया और सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल नियमों एवं धारा 144 का उल्लंघन करने पर पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है। फरखाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कंपिल थाने में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस कार्रवाई को पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव में माहौल बिगाड़ने के लिए इन असलहों का इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस ने एक देसी बंदूक समेत 25 बने तमंचे एवं 10 अधबने तमंचे मौके से बरामद किए हैं। साथ ही इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में इनसे पूछताछ की गई है, कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हाथ लगी हैं। ये जहां से सामान लाते थे और जहां सप्लाई करते थे, इस संबंध में इनके जो भी लिंकेज हैं उन सब पे जांच की जा रही है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी।
ऋषिकेश शहर में पहुंचने वाले पर्यटक कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। चौक चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी जब नियमों का पालन कराने के लिए पर्यटकों से अपील कर रहे हैं तो पर्यटक साफ तौर पर पुलिस से उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने नियमों का पालन कराना बड़ी चुनौती बन गया है। तस्वीरों में देखें किस प्रकार पर्यटक बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं मास्क तक पहनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में पुलिस को पर्यटकों के खिलाफ चालान काटने की कार्रवाई करनी पड़ रही है, जिसका विरोध भी पर्यटक कर रहे हैं। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी ने बताया कि पर्यटकों का किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, नियमों के उल्लंघन पर चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली नगर क्षेत्र के जुआ थान मार्ग पर शनिवार देर शाम की गई कपड़ा व्यवसायी से लूट मामले के पांचों आरोपितों को पुलिस ने रविवार भोर में राजाराम भरिया जंगल में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हुए हैं। दोनों आरोपियों को संयुक्त जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में शामिल तीन अन्य आरोपियों को भी पकड़ लिया गया है। इनके पास से गोंडा के मालवीय नगर निवासी कपड़ा व्यवसायी अर्जुन गुप्ता से लूटी हुई सोने की चेन, कीमत करीब 1.5 लाख, एक अंगूठी व 52,230 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा हथियार और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। तो बलरामपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि 24 घंटे पहले हुई लूट के मामले में पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ लूटे गए माल को भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से गोंडा के मालवीय नगर निवासी कपड़ा व्यवसायी अर्जुन गुप्ता से लूटी गई सोने की चेन, 1.5 लाख रुपये की कीमत की अंगूठी व 52,230 रुपये नकद बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा फ़ोन और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। बलरामपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां 24 घंटे के अंदर लूट के मामले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ लूटे गए माल को भी बरामद किया गया है। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में एक लूट की घटना घटित हुई थी गोंडा के एक व्यापारी के साथ, जिसके संबंध में पुलिस टीम कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में लगातार काम कर रही थी, और उस दौरान ही कुछ अभियुक्त दोनों का के बारे में जानकारी हुई, जिसका पीछा पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा था। और सुबह करीब 4 बजे अभियुक्तगण के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया, जिसके जवाबी में बचाव के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा भी फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्तगणों को पैर में चोट आई है। खबर गाजीपुर से है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक दलों के नेता अपने वोटरों को रुझाने के लिए वोटरों के दरवाजे पहुंच रहे हैं। यहां पर वह पिछले 5 सालों के अंदर नहीं पहुंच पाए और उनके दरवाजे पहुंचकर उनसे एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में जीत दिलाकर विधानसभा पहुंचाने की गुहार लगा रही है। यह नजारा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के क्षेत्रों में इन दिनों देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही कुछ आज गाजीपुर के मुस्लिम बाहुल्य रजदेपुर इलाके में देखने को मिला। यहां पर जंगीपुर विधानसभा के विधायक और मंत्री पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र यादव घर घर पहुंचकर लोगों से वोट की मिन्नत कर रहे थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा डूबती हुई नैया है और डूबती नैया में कोई बैठना नहीं चाहता। बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। यहाँ के लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जिस हिसाब से कोविड का जो महामारी चल रहा है उसको लेकर चुनाव आयोग ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं, और आने वाले समय में जब रैलियां नहीं होगी, क्या लगता है रैलियां जब नहीं होगी, बड़े नेताओं का आगमन नहीं होगा, तो क्या चुनाव प्रचार पर लोगों को असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता बदलाव चाहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की सरकार चाहती है, और आम जन हर व्यक्ति परिवर्तन के मूड में है। योगी बाबा को गोरखपुर भेजना चाहती है। होता क्या कि जब बड़े नेता आते हैं अपने भाषण देते तो लोग उनके भाषणों से प्रभावित होते हैं, इस बार क्या रहेगा? सारे भाषण जनता जान रही है, देख रही, सुन रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे नेताओं का जो जगह जगह पहले मीटिंग हो चुका है, और हर जगह हर समाज के लोग जो है सबके दरवाजे पर जा करके भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना चाहते हैं। भाई, हमारे विधायक हम लोगों के बीच में हमेशा रहे हैं,
और वो आज सबके बीच में है, वो संपर्क जनसंपर्क कर रहे हैं। रजदेपुर किया, नई कॉलोनी किया, मुस्तफाबाद, शेखपुरा, ये सब पूरे देहाती और शहरी क्षेत्र भी जुड़ा हुआ है। दोनों क्षेत्र में विधायक जी ने भ्रमण किया है हम लोगों के साथ। क्या लगता कि जिस हिसाब से तरीके से जनसमर्थन है उनके साथ जी, और उन्हें इस बार फिर विधायक होने जा रहे हैं, वो जीतेंगे। मतलब पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा काम करा है जिसको वैसे लोग मतलब उनको इस बार बहुत जो गया उसकी बात सुनते थे वो। यूपी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है तो देखना यह है कि बदायूं की जनता के मन में क्या है, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। जनता के मन को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता बदायूं से विजय राठौर ने, इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में इस समय भूचाल आया है उसको देखते हुए देखना यह भी जरूरी है शहरी क्षेत्र से बाहर निकल के कि ग्रामीण अंचल में लोगों की क्या समस्याएं हैं। नेता तो वादे करके आते हैं और चले जाते हैं, मगर जनता के लिए किस किस समस्याओं का सामना करता है वो 5 वर्ष कोई देखने वाला नहीं होता है। आज हम पहुंचे हैं दातागंज क्षेत्र के 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र, उसके ग्रामीण क्षेत्र में एक गाँव है। अगर बात इस गांव की करें तो दातागंज मियाऊ रोड पर बिरिया डांडी गांव पड़ता है, और इस गांव में मैं पीछे दिखाना चाहूंगा महिलाएं भी बहुत संख्या में हैं। और क्या 2022 जो चुनाव चल रहा है उसमें किसकी सरकार बनाएंगी और समस्या अब तक जो है उन्होंने क्या क्या झेली है? ठीक है, हमारे साथ कुछ प्रोसाइडर हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे। बहन जी की सरकार बनेगी। क्या कोई बहन जी के ऐसे 4 कार्य बता दीजिए? बहन जी ने मेडिकल कॉलेज बनवाए और शिक्षा के लिए बहुत विकास किया है, और जब भी उनका शासन आता है तो उनका उत्तम शासन रहता है हमेशा। उनका शासन राज रहता है तब वो जो है कानून का राज रहता है। अच्छा, 5 वर्ष बीत गए, यहाँ पर विधायक थे राजीव कुमार सिंह बाबू भैया, उनके कार्य क्या है, क्यों आप बहन जी को चुनना चाहते हो? 2017 में वो विधायक बन करके आए, 2022 में किसे रिपीट कर पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस सरकार का सुपड़ा साफ हो गया, वो बताएं कैसे, क्योंकि जो सरकार इस बार जो सरकार आई है तो वो सिर्फ वादे करके आई है, जुमले करके आई है, झूठे वादे करके आई, कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। कोई वादा पूरा हुआ वो बताओ? शिक्षा पे कोई बात करने वाला है ना, चिकित्सा पे बात करेगा, ना ही भुखमरी पे बात करेगा, ना समाज में जो हो रहे हैं अत्याचार पे बात करेगा, ना बलात्कार हो रहे हैं उन पे बात करेगा। बात किस पे होगी? इन पे कोई बात नहीं करने वाला, और मीडिया वही दिखाती है जो लोग वो लोग चाहते हैं। जी बिल्कुल, 2022 में भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? BSP की। अच्छा, क्यों? उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, गुंडे बदमाश या तो यूपी के बाहर होंगे या जेल के अंदर। सबसे पहले शिक्षा की बात आती जब भी, कानून की बात आती जब भी। अच्छा ठीक है, बहन जी की सरकार में कानून बहुत अच्छा चला, शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा पे कोई देखने वाला नहीं है। जी भैया किसकी सरकार ला रहे हैं? नहीं लाए हम, हम किसकी लाएंगे? हाथी की पाल्टी की, हम पढ़े ही ना, हमारा जानते हाथी की पाल्टी की। ऐसा क्या दिखा हाथी की पाल्टी? हाथी की पाल्टी में सबको बराबर सम्मान मन चले आए, पढ़ाई लिखाई हमारे हाथी की पाल्टी ने भाई का भाव भाई। यहाँ तो बब्बू भैया ने बहुत कार्य किया, कुछ कार्य नहीं किया। अच्छा भैया, और भी क्या 2022 में किसकी सरकार ला रहे हैं? 2022 में। अच्छा, क्यों? वर्ल्ड इंडिया आज जो है शहरी क्षेत्रों से निकल करके ग्रामीण अंचल में भी पहुंची है, और ग्रामीण क्षेत्र में चूंकि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र से आती है, और गांव की जो जीवन है जिस तरह रुख कर देता है उधर सत्ताएं पलट देती है, सरकारें पलट देती है। आज हम बात कर रहे हैं दातागंज 117 विधानसभा से, और यहां से जानेंगे ग्राम पंचायत है आज बिरिया डांडी, और इस गांव के लोगों की क्या सोच है, 2022 में किसकी सरकार बना रहे हैं, और उस पर हम आज चर्चा करेंगे। भैया 2022 में आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? आप काहे भाग रहे हैं कैमरे से? आपका वोट बन गया? पहली बार वोटिंग करेंगे क्या? अच्छा, सपा की सरकार बना रहे हैं? सपा का तो बड़ा जलवा ही अलग है, बढ़िया। यूपी का जो है भाजपा का मंत्री सब काट लिया है, सब हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए हैं सपा में, वो 7 विधायक के लिए सब साथ लाए हैं, मंत्री भी लाए हैं। क्या लगता है 7 विधायक से आप सरकार बना लेंगे? क्यों
जब 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 सपा में आ चुके हैं तो बहुत बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका है। अगर आप एक चीज बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य तो आ गए हैं सपा में, उनकी बेटी तो अभी भाजपा से बताई, वो उनसे मतलब नहीं है, वो सांसद है ना, बेटी का बेटा नहीं है, वो उनके लिए उन्हें कुछ एक परिवार में दो पार्टियां कोई मतलब ही नहीं है, एक परिवार में दो पार्टियां, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए मंत्री पद से अपने। रात तो एक चैनल को इंटरव्यू दे रही थी संघमित्रा मौर्य, कह रही थी पिता का अपना जीवन है, क्यों अपना जीवन है, क्या वो बेटी नहीं है पिता की, बेटी नहीं है, परवीन पांडे उन्हें उसे आपको क्या लगता है सपा और भाजपा की लड़ाई में क्या आप वोट कहाँ दे रहे हैं? बीजेपी, वो बीएसपी के लिए। अच्छा, बीएसपी को क्या लगता है बहन जी की सरकार बनेगी? अनुशासन उनकी सरकार में, अनुशासन हिंसा करने वाला नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या लगता है आपको? हमको लगता है ये कि मतलब बीएसपी की गवर्नमेंट बने और किसी की गवर्नमेंट नहीं। आप वोट किधर दे रहे हैं? हम बीएसपी के वोट। बहुत बढ़िया, आप भैया बहुत देर से देख रहे हैं। बोल देना। अरे हो रहा है ना यार। ये चाचा आप किधर वोट कर रहे हैं? अरे हम तो बीएसपी दे रहे हैं हाथी वाली पार्टी को। अच्छा, अरे बेकवाद है, हम बहुत परेशान हैं, ढाई महीना हो गया हार्म लेते हैं, गाय रखा था दिन में बंदर रखा था, क्या करें, सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार ने तो गौशाला आपको बनवाई, तो कहाँ गाय गौशाला कौन रखता है, आपके अधिकारी गौशाला में भूखी मर जाती है, गौशाला ने हत्याशाला बनवाई, हत्याशाला बनी, वेरी गुड वेरी गुड, योगी ने हत्याशाला बनवाई गौशाला की बजाय, गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है, गाय मर रही है, आपके आस पास गौशाला है, गाय को राज भगाना है, गाय से लोग परेशान है, किसान खेत क्या बना हो रहा है, भाजपा को सत्ता से हटाना, दूसरी सरकार को लाना, चाहे कोई भी आ जाए चलेगी, लेकिन भाजपा सरकार नहीं चलेगी। ऐसा क्या किया है भाजपा ने? ऐसा क्या किया, केवल झूठे वादे करके आई है, सिर्फ सत्ता हटाने के लिए झूठे वादे किए हैं। कौन कौन से झूठे वादे किए? 15 लाख खाते में आया, जो 4 करोड़ रोजगार मिल रहा था वो रोजगार किसी को मिला? जीएसटी से किसका फायदा हुआ? काला धन वापस आया, और जो हो रहा है जितनी नौकरियां दे रहे हैं वो नौकरियां कहाँ गई? विकास की बात करें, विकास की बात करें तो विकास इतना हो रहा है कि भैया यहाँ तक विकास हो गया, यहाँ से विकास छोड़ के कोलकाता में भी बनवा के आ रहे हैं, अपने अमेरिका में भी जा रहे हैं वो विकास करवाने के लिए, यहाँ का विकास फुल हो गया है। अच्छा, बहन जी का शासन आ जाता है तो ऐसे कौन कौन से अच्छे विकास होंगे यहाँ पर? जो विधायक बहन भाजपा बीएसपी से यहाँ पर जो है घोषित प्रत्याशी रचित गुप्ता है, अगर आप वहाँ उनको विधायक बना के ले आते हैं तो किसे, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो है ऐसे बहुत जो भी महत्वपूर्ण कार्य होंगे समाज के लिए, जनता के लिए, जो उचित कार्य होंगे वो कार्य करवाने की मांग करेंगे हम उनसे। ये तो आप भाजपा में भी कर सकते थे? नहीं, भाजपा से कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हुआ है? 7 साल से देख रहे हैं, 7 साल से देख रहे हैं ना, 2 साल रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं, मांग तो कहाँ पूरी हो रही है? सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। ये भी कह दिया विधायक बनते ही चीनी मिल बनवाएंगे यहाँ दाता, बिल्कुल बिल्कुल सही, कम से कम 5,000 लोगों के लिए रोजगार दिया जाएगा उन्होंने कहा है, विधायक बनाएंगे तब, और गारंटी से बनेगा जी, बिल्कुल। अगर यहाँ के ग्राम पंचायत प्रिया डाडी के लोगों की आवाज दी जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार आई तो सिर्फ जुमले और वादे करके आई, भारतीय जुमला पार्टी नाम रख देना चाहिए उसका, जो भैया ये कह रहे हैं क्या नाम रख देना चाहिए, भाजपा का नाम बदल के भारतीय जुमला पार्टी रख देना चाहिए, और इस समय जो जो छोड़ रहे हैं ना लोग, तो इसके हिसाब से तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है पार्टी जो है उसका छोड़ो पार्टी जो बोलते हैं इसको, कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ो आंदोलन कर देना चाहिए इसका नाम, सब पार्टी छोड़ रहे हैं ना इसलिए, क्योंकि दिन पे दिन देख तो एक दो विकट गिरता जा रहा है, कोई मंत्री कोई विधायक इस्तीफा लेता जा रहा है, तैयार हो रहे हैं सब जी, बिल्कुल। ये थे ग्राम पंचायत बिरिया डांडी के लोग, कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार से रुष्ट हैं, इनको देखते हुए गांव में अभी तक जो कागजों में कार्य हुआ वो ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुँचा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जौनपुर में शॉर्ट सर्किट से पेंट की दुकान में आग लग गई, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं स्थानीय लोग व दमकल विभाग की टीम की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। जफराबाद थाना क्षेत्र से जगदीशपुर क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है, तो जौनपुर के जगदीशपुर क्रॉसिंग के पास
की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक पेंट की दुकान में बताया जा रहा है कि आग लग गई। पेंट की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर राख हो गया है, नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। तो जौनपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक पेंट की दुकान पर आग लग गई है। पेंट की दुकान में आग लगने के बाद स्थानीय लोग और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सकता है। पूरी घटना आपको बता दें कि जफराबाद से जगदीशपुर क्रॉसिंग के पास का ये पूरा मामला है और ये एक पेंट की दुकान थी। आगरा की थाना इरादत नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खेड़िया पर्वती नदी में राजस्थान बॉर्डर के पास से पुलिस ने जमीन के अंदर गड़े हुए शराब के लहन को बरामद किया है। लहन जो लगभग 5 ड्रम के अंदर 770 लीटर करीब था, इसको पुलिस ने नष्ट किया है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि चुनाव से पहले शराब तस्कर पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर पर ये नकली शराब बना रहे थे। फिलहाल पुलिस बड़ी मात्रा में नकली शराब बनाने वालों की तलाश कर रही है। तो आगरा से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने एक बड़ी खेप बरामद की है नकली शराब की। तो नकली शराब बनाई जा रही थी, पुलिस ने इसको पकड़ा है और साथ ही साथ नकली शराब को नष्ट भी किया है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि चुनाव में इसका इस्तेमाल करने की साजिश थी, चुनाव में माहौल बिगाड़ने के दृष्टिकोण से ये शराब बांटने की या शराब का इस्तेमाल करने की पूरी संभावना थी। तो आगरा से ये पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक बड़ी मात्रा में नकली शराब को पकड़ा है और इसको नष्ट किया है। साथ ही साथ अब पुलिस नकली शराब बनाने वालों की तलाश में जांच में जुट गई है। खबर औरैया से है, यहाँ कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता नजर आ रही है। जहाँ 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाने वालों की होड़ है। प्रतिदिन बिधूना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 850 से ऊपर युवाओं को डोज लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से कोविड की तीसरी लहर में युवाओं के लिए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन शुरू किया कराया गया है। वहीं युवाओं को तीसरी लहर से बचने के लिए खुद ही जागरूक होकर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। कोविड की तीसरी लहर में लोग खुद ही आगे बढ़कर आ रहे हैं, जबकि तीसरी लहर को लेकर सबको सैनिटाइजर, हाथ साबुन से धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सभी तरह की सावधानियां बरतने की हिदायत डॉक्टरों द्वारा दी जा रही है। औरैया की ये तस्वीर है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुद ही युवा और कई अन्य लोग पहुंच रहे हैं, खुद वैक्सीन लगवाने की होड़ नजर आ रही है। तो वैक्सीनेशन को लेकर अब लोग किस कदर जागरूक हैं, ये तस्वीरें इसकी हकीकत बयां कर रही हैं। जो है कल की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो है 842 लोगों का जो है हम लोग 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण कराया था, और जो है आज जो 15 जनवरी 2022 में अब तक की जो रिपोर्ट आई है 12 बजे तक की, हमारे पास जो है 800 के ऊपर जो है 15 से 18 के बच्चों का जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। और बराबर देखा जा रहा है कि जो है बच्चों में जागरूकता मिल रही है और जो है अस्पताल में भीड़ भी लगना चालू हो गई है और बच्चे जो है वैक्सीनेट करा रहे हैं अपने आप को। सर बचाव के किस तरीके से आप बताएंगे नियम? बचाव के देखिए तीसरी लहर को देखते हुए जो है कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और पब्लिक से जो है बराबर जो है अनुरोध किया जा रहा है कि आप जो है दूरी बनाकर रखें, मास्क का उपयोग करें, बार बार जो है साबुन से सैनिटाइजर से हाथ धोएं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।